कॉन्फ्रेंस के लिए आमंत्रित किया है। हमने अपने साथी समाजवादी साथी श्री राष्ट्रीय प्रवक्ता और राष्ट्रीय सचिव श्री राजू राय के साथ जो अन्याय हो रहा है बीजेपी सरकार करा रही है, दमी स्वामी है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो राजू के साथ अन्याय हो रहा है मैं इसका घोर निंदा करता हूँ। ये गीदड़ मुख्यमंत्री जो प्रदेश में बैठे हैं और कमीना मुख्यमंत्री जो प्रदेश में बैठे हैं उनके कार्यकर्ता भी कमीना और गीदड़ हैं। ये अपने जनता से भयभीत हो गए, जनता के आंकड़ों से भयभीत हो गए हैं कि 2022 में श्री अखिलेश यादव की सरकार पूर्व बहुमत से 350 से 400 वोटों के साथ पूर्व बहुमत में आ रही है। ये बीजेपी वाले डरे समय हुए गीदड़ ये मुख्यमंत्री जो प्रदेश में बैठ गए हैं और इसके जो गीदड़ कार्यकर्ता भी हैं जो जनता को परेशान कर रहे हैं, थाने तहसील में दलाली कर रहे हैं, इससे मैं घोर निंदा करता हूँ बीजेपी सरकार की और उनके कार्यकर्ताओं की भी। इससे देखिए अभी मऊ जनपद में कंबल वितरण नहीं हुआ, ठंड तेज हो गई है, इससे जनता तरह तरह करी ठंड से मर रही है। क्या जानते हैं कि अभी ठंड आधी चली गई और कंबल वितरण नहीं हुआ, टेंडर प्रक्रिया पूरी नहीं हुई, इससे जनता तरह तरह करी ठंड से टूट के मर रही। अलाव का भी व्यवस्था नहीं किया गया, अलाव सार्वजनिक जगह पर जलना चाहिए, अलाव भी नहीं जल रहा है। हमारे 2022 में सरकार इतनी जनता पक्ष में आ गई है समाजवादी सरकार की, 2022 की समाजवादी सरकार इतनी तेज साइकिल चलेगी कि हमारी सरकार पूर्व बहुमत से आ रही है 2022 में, बहुत तेज साइकिल चलेगी हमारी 2022 में। अखिलेश को सरकार बन रही है, अखिलेश है हमारी सरकार पूर्व बहुमत बन रही है, इस भाजपा सरकार जनता उखाड़ फेंकने के लिए तैयार है। ये तो अपराधियों की सरकारें हैं, देख लीजिए टेनी का, देख लीजिए हत्या हुआ है उन्नाव वाला, देख लीजिए महिला के साथ आगरा में जो 25 अक्टूबर को शायद पुलिस एसआई की जो महिला गई थी परिषद ने पुलिस एसआई की महिला के साथ दुराचार हुआ, कार में बैठा कर उसको फेंक दिया गया बाहर। क्या चाहते हैं, महिलाओं के साथ अन्याय होता रहेगा और जनता समझती रहेगी, समाज समझती रहेंगे अन्याय के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ, दलितों के खिलाफ और भ्रष्टाचार के खिलाफ, घटाकी के खिलाफ समाजवादी साथी रोड से सदन तक हंगामा करेंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे, रोड से हम लोग अपनी कार्रवाई करते रहेंगे जब तक जनता इसको हटा नहीं देगी। उनके भाई जो हमारे पार्टी में आ गए हैं उनका मैं स्वागत करता हूं और समाजवादी सरकार और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जो प्रकाशमान कोहिनूर की तरह चमकते हैं, पूरे प्रदेश में चमक रहे हैं, ये तो हर वर्ग का सम्मान करते हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, चाहे यादव हो, चमार हो, भौर हो, ठाकुर हो, पंडित हो, सबका सम्मान करते हैं, चाहे मुस्लिम का भी सम्मान करते हैं, इसमें हर जात का सम्मान होगा। हमारी इतनी साइकिल तेज चलेगी, 2022 में।